जैसा कि तय था, नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हुआ वैसा ही। बुधवार को विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के बतौर मुख्यमंत्री नाम का प्रस्ताव सभी विधायकों ने किया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया और उन्हें हरियाणा का नया सीएम घोषित कर दिया। अब कल यानी 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिसकी तैयारियां काफी जोरों और शोरों से चल रही हैं। जब उनके नाम का ऐलान किया गया था तो अमित शाह ने सैनी की जोर से पीठ थपथपा दी। इस दौरान हरियाणा के कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। ऐसा कर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोंकने में लगे इन दिग्गजों को शाह ने संदेश भी दिया। दरअसल बुधवार को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित भाजपा दफ्तर में विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें विशेष रूप से दिल्ली से अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान सरीखे शीर्ष नेता मौजूद थे। सभी विधायकों ने विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम को हरी झंडी दी। विधायक अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव इस बैठक में रखा था। इसके बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। ऐसे में अब नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग खत्म होने के बाद नायब सैनी बीजेपी नेताओं के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर चुके हैं। वहीं जब अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान मुस्कुराकर किया तो सभी विधायकों ने जोरदार तरीके से तालियां बजाई। इसके बाद नायब सिंह सैनी उठकर उनके पास गए तो अमित शाह ने उनकी जोरदार तरीके से पीठ थपथपाई। साफ जाहिर था कि नायब सिंह सैनी के नाम पर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से पहले ही मुहर लग गई थी। अमित शाह ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। इसके बाद सैनी ने भी शाह को गुलदस्ता दिया। अमित शाह ने नायब सैनी के नाम की घोषणा करते हुए कहा था कि हरियाणा में 36 बिरादरी की सरकार होगी, हरियाणा के हर व्यक्ति का विकास होगा। अतः मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराशित नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामोनिशान बढ़ेगा। फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे हैं। हमारे सारे प्रभारी, चारों चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय से की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई और नायब सिंह को सुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। वहीं मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने के बाद नायब सैनी ने अमित शाह का धन्यवाद किया और सबको साथ लेकर चलने की बात कही। हमने दिए, परंतु कुछ बच्चों के रिजल्ट्स तैयार थे, कमीशन ने तैयार किए थे, जो ही निकालने के लगे तो विपक्षी दल वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया, तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपने हाथ के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। वहीं विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर हरियाणा में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान राजभवन में उनके साथ अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके बाद अब गुरुवार यानी 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कई विधायक भी मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। पंचकुला में गुरुवार को नायब सिंह सैनी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं।
एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।